सो कल के दिन जो है मैंने कॉन्कर रैंको सिंह का जो वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे, और उसके अंदर हम लोगों ने सोलो में पोस्ट कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि वैसे हम लोग जब से मतलब ये चैनल बना है तब से मैं सोलो के अंदर ही पोस्ट कर रहा हूँ, और पिछले वाले सीजन तो हम लोगों ने कॉन्कर लगा दिया था, और इस वाले सीजन में भी मैं कॉन्कर लगाता जरूर। लेकिन कल के दिन मेरे को एक मेरी वीडियो पे कमेंट आता है, और उसमें ये बंदा ये बोलता है कि भाई देख सोलो के अंदर ना कोई भी बंदा तुम पे रस नहीं करता है, तुम कैंप करके स्पाइडर शूटर लगा के कैंप करके तुम बहुत जल्दी 2-3 किल करके चिकन निकालते हो, और तुम सोलो में तो बच्चा बच्चा कॉन्कर जाता है। अगर तू रियल में प्लेयर है, रियल में अगर तेरी औकात है, तो स्क्वाड के अंदर पुश करके और कॉन्कर के अंदर टॉप 100 में जाकर देखा, तब हम तेरे को मानेंगे। तो फाइनली ये जो बात है मेरे को रियल में दिल पे लगी, और फाइनली मैंने इसका स्टार्ट कर लिया। मतलब आज मैंने ना कोई भी सोलो खेला ही नहीं, मैंने सोलो छोड़ दिया और मैं फाइनली स्क्वाड के अंदर शिफ्ट हो गया। मतलब आज जो ये वाला जो गेम प्ले है वो तुम लोगों को दिख ही रहा होगा कि मैं अपने स्क्वाड के साथ में खेल रहा हूं, और आज से हम लोग कर रहे हैं स्क्वाड के साथ में रैंक पुश। अब यहां पे मैं रैंक पुश नहीं करने वाला हूं, यहां पे मैं टॉप 100 में भी उस बंदे को जाके दिखाने वाला हूं कि हां मेरे भाई तू जो बोल रहा था ना बात, तो यहां पे तुम्हारा भाई जो है टॉप 100 में जाके बैठ गया है। तो यहां पे क्या है कि अभी जो रैंकिंग चल रही है वो स्क्वाड के अंदर कुछ भी नहीं चल रही है, मैं डायमंड 4 या फिर 3 के अंदर मैं अभी फिलहाल पे हूं। लेकिन जो स्क्वाड के अंदर जो लॉबी आती है ना रियल में भाई साहब सोलो से बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के आती है। मतलब मैंने तकरीबन लमसम 3 से 4 मैचेस खेले थे, और चारों मैचेस में मैंने चिकन लिए थे, एक मैच में नहीं मिला था, बाकी 3 मैच में मेरे को कंटिन्यू चिकन मिले थे। और वहां पे भाई साहब जो डायमंड के अंदर भी स्क्वाड में इतनी गंदी लॉबी आती है कि जो कॉन्कर में तो भाई साहब क्या ही हाल होगा, मैं खुद भी मानता हूं। मतलब जिस भी बंदे ने कमेंट किया था मेरे को उसकी बातें तो दिल पे लगी, इसलिए मैंने स्क्वाड के अंदर रैंक पुशिंग आज से करना स्टार्ट कर दिया। तो प्लीज यार सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। लेकिन एक चीज जो तुमने बहुत सही बोली थी कि जो सोलो के अंदर जो इतने इजी बंदे आते हैं उतने स्क्वाड में इजी नहीं आते मेरे भाई, स्क्वाड के अंदर बहुत ही गंदे वाले बंदे आते हैं और तकड़े वाली फाइट होती है। अब फिलहाल बात करते हैं गेम की। तो होता क्या है कि हम लोग उतरते हैं पोचिंग की, और अभी तो हम लोग रशिंग ही खेल रहे हैं, ठीक है, हॉट ड्रॉप भी हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे क्या है कि पोचिंग के अंदर आप लोगों ने देखा होगा 2 से 3 बंदे हम लोगों ने यहाँ पे निपटाए थे, पूरी टीम तो फिनिश नहीं हुई थी क्योंकि बंदे थे नहीं, सिर्फ 3 बंदे थे और 3 बंदे हम लोगों ने निपटाए थे। और जब मैं इधर की तरफ आता हूँ ना, तब भाई साहब मेरे को एक बंदा दिखता है, और मेरा टीम मेट मेरे को ये बोलता है कि भाई जो यहाँ पे है ना जिस तरीके से, तो मतलब जहाँ पे एक बंदा था पोचिंग के अंदर उसका नाम भीड़वाल या फिर ऐसा कुछ उसके गलत तरीके का नाम था, तो जिसको तुमने खत्म किया था ना सुनील, वो जो बंदा है उसने भी एक बॉट को मारा, मतलब वो बंदा रिकॉल हो चुका था। तो हम क्या करते जाते हैं ऊपर, और मेरे भाई रियल में इस बंदे को मैंने अभी खत्म किया था और ये रिकॉल हो गया, वापस से आ गया था। अब यहां पे क्या है कि मेरे टीममेट को बेचारे को पूरा यहाँ पे इसने फिनिश कर दिया, अब उसको भी मैंने फिनिश कर दिया, लेकिन भाई साहब इसका टीममेट खुले में से भाग के आ रहा था और मैं उसको नॉकआउट करता हूँ, लेकिन मैं ये भूल गया था कि मेरे साथ में मेरी टीम है ही नहीं, मेरे टीममेट पीछे छूट गए थे। और ये वाले जो बंदे थे वो क्या करते हैं, फटाफट से भाई साहब गाड़ी वाड़ी लेके मेरे पे रस मार देते हैं। मेरे टीममेट मेरे पास में नहीं थे और मेरे एक टीममेट को भी इन्होंने नॉक कर दिया था। मतलब तुम देख सकते हो टीम कितनी खतरनाक आ रही है। अब ये जो बंदा है ना ये ऊपर आएगा तब मैं इसको चैलेंज देता हूँ कि भाई देख तेरी औकात है ना, तो तुम चल तूने मेरे को नॉकआउट किया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तेरे को चैलेंज देता हूँ कि यहाँ पे ना मैं तेरे को वापस से आके तेरे को ही खत्म करने वाला हूं, और मेरी लूट जो तू लूट रहा है ना मैं तेरे को आके मतलब लूट में मेरी जो लूट है वो वापस मैं छीन लूंगा। इस तरीके से मैंने इसको थोड़ी गालियां वाला भी दे दी थी, मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि मेरे टीममेट पास में थे नहीं। तो ये क्या करता है, ये बोलता है कि ठीक है चल ठीक है देख लेंगे तेरे को, और ये मेरे को खत्म कर देता है। उसके बाद मेरा टीममेट जाता है, रिकॉल का सिस्टम है आप लोगों को पता है, स्क्वाड वगैरह हम खेलते हैं तो रिकॉल वगैरह हो जाते हैं। तो मैं आ जाता हूँ वापस से गाड़ी में, और जैसे ही मैं देखते थे पाते हैं वो बंदे भाई साहब क्या ही तगड़ा बड़ा डैमेज देते हैं मेरे को और मेरे टीममेट को। मतलब भाई मेरी जैसे टीममेट तो किसी के हो ही ना। अब तो मैंने देखा यहाँ पे गाड़ी कितनी स्लो चला रहा था, वो बंदा मेरे को बहुत ही जल्दी निकाल लेता, वो तो अच्छी किस्मत थी कि मैं पे बच जाता हूँ। अब यहाँ पे हम ट्रैप में फंस जाते हैं, पीछे जो स्क्वाड है उसे ना यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर की तरफ स्क्वाड दिख रहा है यहाँ पे भाई साहब पूरी पूरी टीम है, ठीक है, चर्च पे पूरी पूरी टीम है, और पीछे की तरफ जिन बंदों ने हम लोगों को खत्म किया था पहले वो टीम है, मतलब 3-3 टीमें, और हम लोग बीच में फंस गए एक छोटे से के हैं, मतलब छोटे से घर के अंदर। अब यहां पे जहां पे भी जा रहे हैं पड़ रही है, देखो मेरे टीममेट जो है एक नॉकआउट हो गया, ये जैसे रिवाइव होगा दूसरा टीममेट नॉकआउट हो जाएगा। मतलब यहां पे बहुत ही गलत वाले सीन के अंदर हम फंस चुके थे। तो सबसे पहले अपने टीममेट को बोलता हूं कि देखो भाई यहां से निकलना जरूरी है, यहां से निकलेंगे अगर नहीं निकले ना तो पिटाई बहुत तय है। अब मेरा एक टीममेट नॉक होता है और सामने से, तो फाइनली ये जो बंदा है वो रस कर रहा था और फाइनली इस बंदे को यहाँ पे पीटी बना देते हैं। ये वही बंदा है जिसने मेरे को नॉकआउट किया था, ठीक है। अब ये नॉकआउट हो जाता है तो इसका जो पीछे वाले जो टीममेट होते हैं वो भी सोचते हैं कि इसको बचाने की, तो वो क्या करता है ऊपर से कूदता है, देखना अभी आप। अब जैसे वो कूदता है उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है लेकिन वो नॉकआउट नहीं होता, और अभी आप लोग देखने के उस पूरी पूरी टीम को कैसे फिनिश करते हैं। अब जब मैं आगे इस पर ले रहा हूँ तो लेफ्ट में जो है उनका एक और बंदा ऑलरेडी आ चुका था, वो पता नहीं कैसे आया लेकिन वो स्पाइडर शूटर वगैरह लग के शायद आ चुका था। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि जल्दी से लेफ्ट वाले बंदे पे जाओ और इसको फिनिश मारो। तो अपने जो टीममेट होते हैं वो क्या करते हैं, लेफ्ट वाला जो बंदा जब मैं फायर कर रहा था
वो उसकी बेटी बना देते हैं और मैं भी अपना जो किल होता है कंफर्म कर लेता हूँ। अब सामने वाले बंदे को जब मैं नॉकआउट होने का करने लगता हूँ तब क्या होता है, ऊपर की तरफ एक और बंदा आ जाता है जो भाई साहब मेरे को नहीं दिखता है और वो मेरे को नॉकआउट कर देता है। लेकिन फाइनली यहाँ पे जो है सिमरन पूरी की पूरी टीम को जो है खत्म कर देता है और यहाँ पे जो है मेरे हो जाते हैं 3 किल। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं हीलिंग वगैरह करता हूँ, यहाँ पे गाड़ी आती है और उसके अंदर एक बंदा होता है जो कि हैकर होता है और विराट जो टीममेट होता है वो बहुत जोर से चलाता है हैकर हैकर और उसने उस हैकर को नॉकआउट कर दिया था। और अभी देखो कि इस टीम को कैसे हम निपटाते हैं। यहाँ पे अब जो ड्रॉप वाली मशीन गन है इसका बहुत ज्यादा डैमेज है और इस बंदे को 2-3 गोलियां लग चुकी थी, मतलब सीधा रस। अब इसको मैंने रस कर दिया और सामने वाला जो घर है ना इसके आगे वाला घर, यहाँ पे भी एक बंदा है वो जन क्या ना कि मतलब दिमाग लगाता है, IQ लगाता है, ठीक है। वो क्या करता है कि इस वाले घर के अंदर मतलब ग्रेनेड फेंक देता है, एक प्री ग्रेनेड, लेकिन वो मेरे से डैमेज पड़ता है लेकिन मैं उस ग्रेनेड से तो भी बच जाता हूँ। अब यहाँ पे इस बंदे से मेरे को काफी तगड़े वाली लूट मिलती है और जो हैकर होता है ना उसको मेरे जो टीममेट होते हैं पूरा खत्म कर देते हैं। अब इस टीम का सिर्फ एक बंदा बचा है, ठीक है, और यहाँ पे एक और गाड़ी भी आ चुकी है आगे की तरफ। तो वो जो बंदा होता है वो सैक के अंदर होता है और वो छुपा होता है, वो सोचता है कि क्या पता मैं अपने टीममेट को रिकॉल कर पाऊँ। लेकिन सो फाइनली इसकी पीटी बन जाती है यहाँ पे और उसके बाद में क्या होता है, मेरा टीममेट जो है वो नॉक हो जाता है। अब ये बहुत ज्यादा चलाता है कि बचाओ बचाओ, लेकिन मैं जब तक इसको जो है वो कवर देता हूँ तब तक उसको निपटा देते हैं और मेरा एक टीममेट भी नॉक हो जाता है। मतलब कुल मिला के अभी हम सिर्फ 2 बंदे बचे हैं। अब यहाँ पे जो क्या होता है ना कि जो मेरा टीममेट खत्म हो चुका है 3 नंबर, उसको भाई साहब ऑल पे जितने बंदों को मैंने खत्म किया ना सारे बंदे भाई साहब भसड़ मची हुई थी कि सुनील को कोई ना कोई जो खत्म करेगा, क्योंकि मैंने लॉबी के अंदर भाई तहलका मजा लगा था। अभी आप लोग आगे जाके बातें सुनना, अभी मैं यहाँ पे कमेंट्री कर रहा हूँ। अब होता है कि सामने की तरफ एक बंदा होता है और मैं यहाँ पे स्मोक करता हूँ और लगाता हूँ यहाँ पे बूस्टर, क्योंकि भाई साहब सामने वाले जो बंदे हैं ना उनको खत्म करना है। और इन बंदों ने भाई साहब हम पे रस कर दिया था। सबसे पहले मैं जाता हूँ घर के अंदर, घर के अंदर जाके मैं टीवी पे लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ही मतलब सही तरीके से खेल रहे थे। आगे एक बंदा कवर दे रहा था, एक बंदा रस कर रहा था। लेकिन भाई अगर ये सही खेल रहे थे तो हम भी सही ही खेल रहे थे। अब होता क्या है, मैं आ जाता हूँ ऊपर की तरफ और एक बंदे पे मेरा टीममेट मतलब रस करता है तो बंदा भूल जाता है कि मैं उधर से जो है इसको कवर दे रहा हूँ। जैसे पीछे आने लगता हूँ उसको मैं नॉकआउट कर देता हूँ और 2 जो बंदे होते हैं उसको मेरा जो वीर होता है टीममेट वो यहाँ पे नॉकआउट कर देता है। और इनका जो तीसरा बंदा होता है भाई साहब मिलता ही नहीं है और वो बंदा क्या होता है, होता तो यहीं पे है लेकिन वो भाई साहब गाड़ी लेके भाग जाता है अपने टीममेटों को रिवाइव करने के लिए। इनसे हमारी अभी वापस से फाइट होने वाली इन्हीं बंदों से। अब होता क्या, मैं था वो गाड़ी लेके यहाँ पे और यहाँ पे होते हैं बंदे, मेरे बंदे का मार एक ही स्प्रे और दोनों के दोनों बंदों के दोनों के दोनों किल मेरे को आ जाते हैं। अब ये वही बंदे हैं जो बंदे भाई साहब क्या करते हैं मेरी गाड़ी लेके चुरा के यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं किसी को चोर नहीं बोल रहा यहाँ पे, लेकिन मेरा जो टीममेट है जो 3 नंबर जो अभी मतलब हम लोग उसको रिकॉल नहीं कर पाए और वो खत्म हो जाता है, वो और पे बात करता है और वो ये बोलता है कि भाई साहब एक जो बंदा होता है जो गाड़ी लेके आया होता है मस्टैंग, वो बोलता है कि ये मस्टैंग जो है ना हमने कभी चलाई नहीं थी इसलिए हम लोग उसकी तुम्हारी गाड़ी चुरा के और वहां से भाग गए कुछ नीचे। तो भाई ऐसे बंदे थे। अब यहाँ पे क्या होता है, गाड़ी लेके आता हूँ मैं और भाई साहब यहाँ पे मरते मरते बचे क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर बंदे थे और यहाँ पे गाड़ी अच्छा हुआ कि लुढ़कती हुई यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे होता क्या है वो आप लोग देखना रियल सीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मेरे भाई एक बंदा दोनों को खत्म कर देता है और ये पता नहीं कैसे छुपे हुए थे एकदम से सामने आ गए, एकदम से मैं सरप्राइज मिला। लेकिन वहाँ पे मैं भी सिचुएशन को हैंडल करता हूँ और एक बंदा मैं जो है वहाँ पे नॉकआउट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो कॉन्कर लॉबी के अंदर गाइस मैं थोड़ा सिंपल सा बोलता हूँ, नॉक होना तो जरूरी है, मतलब नॉक तो हो गए तुम लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम नॉक नहीं होंगे क्योंकि सारे बंदे पुश कर रहे हैं, अच्छा खेलते हैं। रियल में कॉन्कर लॉबी बहुत ही गंदी आती है, मतलब बंदे बहुत अच्छे आते हैं, प्लेयर बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। और वहाँ पे जो है मेरा टीममेट जो आदिल होता है वो मेरे को रिवाइव कर देता है और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं ग्रेनेड वगैरह निकाल के ऊपर फ्लोर पे फेंकता हूँ क्योंकि ऊपर बंदे थे। अब यहाँ पे पता नहीं क्या होता है, जैसे मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ मेरा प्लेयर को देखो भाई साहब कितना छोटा हो गया, मैं आईपैड में खेल रहा हूँ और प्लेयर देखो कितना ज्यादा छोटा हो गया। ये ग्लिच हो जाता है जो कि कुछ सेकंड के लिए होता है, अभी देखो फिक्स हो जाएगा। अब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जो है ना मेरा टीममेट होता है ऊपर ग्रेनेड फेंकता है वीर और ऊपर से बंदा नॉक हो जाता है। जैसे ही नॉक होता है हम क्या करते हैं सीधा रस कर देते हैं।
और फाइनली यहाँ पे मेरे को एक भी किल तो नहीं मिलता, लेकिन फाइनली यहाँ पे पूरी टीम निपट जाती है। अब यहाँ पे लॉबी में सिर्फ बचे थे 6 बंदे, मतलब 2 बंदे और बचे हैं। अब कई देर तक जो है हम लोग अपार्टमेंट वगैरह में बंदे ढूंढते हैं, तभी क्या करता है कि जो मेरे टीममेट होता है बंदे निपटा देता है। और अब यहाँ पे देखो एक बंदा बचा है, एक बंदा नॉकआउट पड़ा है और एक बंदा लास्ट का बचा था। फाइनली मैं ऊपर से यहाँ से रश कर देता हूँ और उस बंदे के फुटस्टेप मेरे को नीचे से आ रहे थे, तो मैं समझ जाता हूँ कि नीचे बंदा है। और फाइनली एक प्यारा सा चिकन डिनर, जिसको हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि रिकॉल हो के हम लोग आए थे। नॉकआउट कितनी बार हो के भाई सभी चिकन मिला है, लेकिन बहुत अच्छा चिकन। तो उम्मीद करता हूँ स्क्वाड का गेम प्ले आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।